शगुन है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो अदिति के बड़े अच्छे विचार है, पति की सेवा जब उस समय बच जाता है, भगवान के पूजन में लगा देती है। और दिति बहुत गंदे विचारों को, बुरी बुरी बात में लोग मन लगे, अच्छी बात में लोग मन ही नहीं लगे। तो कश्यप ऋषि अदिति को ज्यादा प्यार करें, दिति को कम, क्यों? दिति की भावनाएं अच्छी नहीं थी। और भक्तों, ये तो हम तुम जानते ही हो, एक मर्द के लिए दो औरतें हो तो दोनों माजिया बहने क्यों ना हो, सोतिया दहा पैदा हो जाता। एक दिन शाम को महात्मा कश्यप भजन करने को बैठे तो अनुदिति आ गई, 16 श्रृंगार करके आ गए। महात्मा ने यूं आंखें बंद करी, माने थोड़ी पकड़ी, महात्मा चौधरी क्या बात है, थोड़ी पकड़ तूने मेरी आंखें खुलवा दी, तो काम हो तो बता। दिति बोली, वो बड़ी पागल है तू, अगर कोई काम नहीं तो मेरे बराबर में आसन डाल और भगवान का ध्यान कर। दिति बोली, क्या भजन? हाँ नहीं, क्यों? महात्मा कश्यप कहने लगे, ओरी पागल, तेरा मन भजन में नहीं लगता, लेकिन तू एक बात नहीं जानती, जो शाम के वक्त मर्द अपनी पत्नी को गले से लगाता है उससे वो औलाद पैदा होती है जो कुल के पितरों तक को नर्क में पहुंचा देती है। लेकिन भक्तों, ये नारी कहने लगी, हमें प्यार की भीख दे दो प्रीतम, इस समय काम की अग्नि में जली जा रही हूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दिति के साथ में संभोग किया तो बोई जब की आत्मा, जिनको श्राप लगा हुआ था दिति के गर्भ में दोनों आत्मा स्थित हो गए और दो जुड़वा बच्चा पैदा हुआ जिनके नाम पड़े हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये अपनी अम्मा के पेट में कितने दिन रहे? 100 साल। आप लोग चौंक पड़े होंगे,
आधार 10 महीना से 2-4 दिन ऊपर बढ़ जाए तो औरत को पुराणों को लेने के देने पड़ जाते हैं। 10 महीना से 2-4 दिन ऊपर बढ़ जाए तो औरत को पुराणों को लेने के देने पड़ जाते हैं, और जो 100 साल रह पेट में, क्योंकि दीदी जानती थी कि मैंने शाम को पति से संभोग किया है, मेरे पेट में राक्षस है, मैं जन्म नहीं दूंगी, कहां दे जाता। दोनों पैदा हुए, बड़े बलवान थे, बड़ी हैडा से पृथ्वी ले गया। भगवान विष्णु कहने लगे, चिंता मत करो, मैं जाता हूं। भगवान अंतर ध्यान हो गए, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के सामने। सो ब्रह्मा को आई छी, अच्छी एक अंगुल को सुवर नाक मन कर पड़े, ब्रह्मा की नाक से एक अंगुल को सुअर निकलो, और सुअर बढ़ता चला गया। 3 मील की लंबाई हो गई, लंबे लंबे दांत, नाक पर सफेद हड्डी का सीन। बोलो 12 भगवान की। 12 भगवान पाताल में पहुंचे, धरती नहीं मिली, रसातल में पहुंचे, मिल गई धरती, ना के सींग पर रखी है, और भगवान ऊपर को बढ़ने। नारद जी ने देखो भगवान कोले कोले धरती ले जा रहे, पापी मरोई नहीं। नारद जी भागो, हृदय को उछाया गया, शक्ति सिंधु, शक्ति किसे दिखा रहे हो, धरती को भगवान दिए जा रहे, तुम पड़े पड़े हवा खा रहे हो। सोई है नाथ ने हाथ में गदा ली, आ गया भगवान 12 के सामने। एक चोर खड़ा हो जा, पृथ्वी को लेकर कहां भाग रहा है? भाई कौन हो? बता रहा हूं, बताओ। तूने क्या कहा, कई बार मैंने तेरे पुरखों को मारा। हाँ, तो जौन घाट से तेरे पुरखा गए हैं, हाँ उसी घाट से तुम जाना चाहते। अरे वो धोखा में चले गए, धोखा में चले गए।